हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सबकी अच्छे से तैयारी चल रही हो। और अब तो लॉकडाउन भी खुल रहा है धीरे धीरे, तो हम आशा करते हैं कि सब स्वस्थ रहें और इस लॉकडाउन का अच्छे से कोरोना का सामना करें। तो चलिए एक बारी क्विक रिवीजन दे देते हैं। हमने लास्ट क्लास में कवर करा था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था हमने सबसे पहले। इनके बीच में डिफरेंस था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे कैपिटल खर्चों के लिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो खर्चे होते हैं उनके लिए किया जाता है। उससे हम एक कुछ एक्वायर करते हैं, चाहे वो एसेट हो हमारा, चाहे वो टैंजिबल हो इनटैंजिबल हो। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा था डे टू डे एक्टिविटीज़ के जो हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारा रूटीन खर्चा है उसको हम रेवेन्यू कहते थे। और डेफर्ड रेवेन्यू हम कहते थे जो हमारा डे टू डे का खर्चा है लेकिन उसका जो बेनिफिट है हमें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। राइट, फिर हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट करी थी। हमारा जो मेन पर्पस है अकाउंट्स का वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही है। तो उसमें हमने करा था हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कवर कर लिया था कि ये दोनों कैसे बनाए जाते हैं और इनका नेट इफेक्ट जो होता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का और नेट प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी जो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक हमारी लास्ट रह गई है बैलेंस शीट। ठीक है, जो हमारा मेन टारगेट था वो बैलेंस शीट बनाने का था, वो रहता है, तो आज हम उसको कवर करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? हमने दो तरह के प्रॉफिट हम अभी तक निकाल चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी डायरेक्टली जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी ट्रेडिंग है, चाहे वो आपकी गुड्स की हो सर्विसेज की हो, उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं और उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू होता है, सिर्फ उन चीज़ों को अगर हम कंसीडर करें तो उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। माने इसमें फिर खर्चे बचे कौन से? खर्चे हमारे बच गए फाइनेंशियल नेचर वाले खर्चे, जैसे कि सपोज कीजिए आपने कोई लोन लिया था उसके ऊपर ब्याज हो गया। ठीक है, वो आपका फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है, वो इसमें नहीं आएगा। कोई चोरी होगी, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ठीक है, ये आपका खर्चा नहीं था लेकिन मतलब डायरेक्टली रिलेटेड खर्चा नहीं था, ये हो गया। राइट, तो इन खर्चों को हम कहते हैं हमारे फाइनेंशियल नेचर के खर्चे, तो इनको हम डिडक्ट कर देते हैं, इनको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं और उससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम आते कैसे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमने नेट प्रॉफिट निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें हम अपने नॉन ऑपरेटिंग जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा देंगे। सिंपल, ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ एग्जाम में, तो इसको उतना ही सोचिए। ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब आगे एक बारी नज़र मारते हैं। हमारे पास दो सैम्पल क्वेश्चन हैं कि पेपर में आपके पास क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या कहता है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिस्ट ऑफ, अब फाइनेंस ये क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है? क्या ट्रायल बैलेंस होता है? जी नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है? जी, हमने पढ़ा इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। बैलेंस शीट होती है? हाँ होती है। ठीक है, तो हमारे बी और सही जो थे वो जवाब सही थे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ई हो जाएगा। वैसे आपको पेपर में ज़्यादातर चार ऑप्शन ही होते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ पर पाँच ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है? व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इंटू अकाउंट। अभी हमने बात करी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए हम किन चीज़ों को हटा देते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होते हैं, और हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो नॉर्मली इसमें आती है। ठीक है, चलो बैलेंस शीट के साथ शुरू करते हैं। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट होता क्या है पहले? तो सबसे पहले तो हम अगर समझें कि बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि मेरे पास क्या है और मैंने किसी को क्या देना है। ठीक है, मोटी मोटी सी बात ये है कि ये आपका समराइज करती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को। इसे बैलेंस शीट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वो सब बैलेंसेस होते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गए या जो इस साल से रिलेट नहीं करते थे और अगले साल हमें ये सब चीज़ें कैरी फॉरवर्ड करनी है या लेकर जानी है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट दैट हैव नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आर टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता था? ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकलता था। ठीक है,
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें नेट प्रॉफिट या लॉस निकलता था। तो बैलेंस शीट में क्या निकलता है? बैलेंस शीट में हमें निकलता है कि हमने किसी को क्या पैसा देना है और किसी से हमने क्या पैसा लेना है, या कितना पैसा हमारे पास पड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन बताता है, व्हाट इज ओन्ड एंड व्हाट द बिजनेस ओज, चाहे वो प्रोप्राइटर को, बिजनेस के मालिक को, या बाहर के लोगों को कि ये पैसा देना है। ठीक है, इसका एक जनरल रूल रहता है, बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड होती है, तो दोनों को हम टैली करते होते हैं। ऑल्दो वो टैली करना ज़्यादातर अकाउंटेंट्स के लिए सपना ही होता है कि एक बारी में टैली हो जाए, लेकिन उसे टैली करना मस्ट होता है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एरर फ्री रहे। ठीक है, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी एंड कैपिटल, ये आपका जनरल रूल रहता है इसका, जो दोनों साइड्स हैं वो टैली होनी चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो कंपनीज होती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, तो उसके लिए हमें एक फिक्स फॉर्मेट दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में हमें ये इसका एक फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है उसी फॉर्मेट में। ठीक है, इसका सवाल है जो यूपीएससी ईपीएफओ के 2017 के पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछा गया था कि कंपनीज के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है बैलेंस शीट का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो कहाँ दिया गया है? तो उसका जवाब था शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। राइट, तो एक बारी हम नज़र डालते हैं कि बैलेंस शीट हमारी दिखती कैसी है। ठीक है, सबसे पहले आपने जो डिफरेंस नोटिस किया होगा वो है, पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग में लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इसको बैलेंस शीट को हम जो प्रिपेयर करते हैं वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए होती है, वो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं होती, वो एक कट ऑफ डेट के लिए होती है। तो यहाँ हम लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च, या जिस भी आप डेट के लिए बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं। राइट, तो इस तरह की आपकी बैलेंस शीट देखने में होती है। लाइबिलिटी साइड आ जाती है यहाँ और हमारी राइट साइड हो जाती है एसेट साइड। अब ये आपने काफ़ी सारी आइटम्स आपको दिख रही होंगी, तो इसको आप किस ऑर्डर में सेट करें, ये भी एक मुद्दा है कि सर आपने फिक्स एसेट ऊपर क्यों डाले, करंट एसेट नीचे क्यों डाले, ये सेकंड क्यों करे, ये फर्स्ट क्यों करे। तो बेटा एक कंसेप्ट होता है हमारे पास, परमानेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि जो परमानेंट आइटम्स हैं, मतलब तो ज़्यादा समय तक बिजनेस में रहने के जिसके आसार हैं, वो ऊपर आएंगी, और जो नॉन परमानेंट आइटम्स हैं, जिसको आप उम्मीद करते हो जल्दी ही आपकी ये बिजनेस में चली जाएंगी, तो ये नीचे आएंगी। ठीक है, तो अब जैसे हमने एसेट साइड पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, ये लंबे समय तक रहती है बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि आप अक्वायर करते हैं, इसका जो बेनिफिट है वो 10 साल 15 साल तक चलता है, तो इसे हम ऊपर लेके आते हैं। लेकिन उसके कॉन्ट्रेरी जो हमारा स्टॉक है ये मूविंग रहता है, आज जो स्टॉक है वो 1 साल बाद शायद ना हो, 1 साल क्या छोड़िए 2 महीने बाद भी शायद वो आपके पास ना हो, उसकी जगह कुछ और आ जाए। ठीक है, तो इसको हम नीचे लेकर आते हैं, ये इसे हम कहते हैं परमानेंसी कंसेप्ट। ठीक है, तो एक बारी बैलेंस शीट के आइटम्स पर नजर डालते हैं वन बाय वन। लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके पास आ जाता है कैपिटल, ये आपका होता है प्रोप्राइटर के फंड, आपके मालिक जो बिजनेस का मालिक है उसका पैसा जो होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, उसमें हम अपना प्रॉफिट जोड़ देते हैं, कौन से वाला, नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाया था, और ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, मतलब अगर पूरे साल में उसने कोई पैसा लिया होगा वो इसमें से हम घटा देंगे और उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और जो टोटल बच जाएगा वो हमारा अमाउंट सेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद हमारे रिजर्व्स आते हैं, हमने पढ़े थे जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, वो सब चीज़ें वो रिजर्व्स में आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आपके लोन्स वगैरह कोई होते हैं, जो बड़े लोन होते हैं उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और फिर आता है सबसे लास्ट में करंट लाइबिलिटीज़, मतलब आपकी जो डे टू डे वाली लाइबिलिटीज़ हैं, जो जल्दी आपकी आप पे ऑफ भी कर देंगे, वो आ जाती हैं करंट लाइबिलिटीज़ में, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बिजनेस के लिए कोई लोन लिया हुआ है छोटा मोटा, राइट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई आपने एक्सपेंस पे करना है जो अभी किया नहीं है, वो सब आपका करंट में आ जाएगा। और एसेट साइड पे हमारे फिक्स एसेट्स हो जाएंगे सबसे पहले, चाहे वो टैंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, इंटेंजिबल भी हैं हमारे पास, यहाँ पे होते दोनों फिक्स्ड ही हैं तो वो आ जाएंगे। उसके बाद करंट एसेट में आपके पास स्टॉक, डेटर, आपके बिल रिसीवेबल, कैश और बैंक बैलेंस आ जाएगा। राइट, ये तो हो गया हमारा जो
पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप के लिए जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, टी शेप बैलेंस शीट इसको कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। ठीक है, अब कंपनीज के लिए कैसी बनती है बैलेंस शीट? शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट कैसी होती है? ये ऐसी होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो प्रेजेंटेशन का एक मेथड है वो बदल गया है। वही है, लाइबिलिटीज आ गई सबसे पहले, ठीक है, उसकी आपकी कैपिटल आ गई, आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पर जो एसेट साइड थी उसको हम उठाकर यहाँ ले आए, और हमारे पास आ गए नॉन करंट एसेट, हमारे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट। ठीक है, सिर्फ प्रेजेंटेशन बदल गई है, आपके जो सब हेड, जो आपके मेजर हेडिंग्स है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये आपको एज इट इज शो करनी पड़ती है, और इसके नीचे आपको सारी अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। ये होती है हमारी शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं पूछा जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के तौर पर, एक फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पर इसको याद कर सकते हैं। कि सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो ट्रेड पेबल्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो आपके करंट होती हैं या नॉन करंट होती हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बैलेंस शीट के रिलेटिंग। राइट, तो आज के लिए इतना ही है, अगली क्लास में हम कवर करेंगे हमारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए या प्रीपेड एक्सपेंस के लिए, ऐसी आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए या प्रीपेड इनकम के लिए जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो हम कवर कर लेंगे, और उसके साथ एक हमारा काफ़ी मेजर पोर्शन जो है कंसेप्ट का, बेसिक कंसेप्ट का, वो क्लियर हो जाएगा। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच।